अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन में। क्योंकि थोड़ा सा इंट्रो मैंने चेंज किया है, आज हम करेंगे अपने कबूतरों की पर पिटाई। ये क्या क्या चीज़ें हमें पहले देनी है कबूतर को और किस तरह कबूतर की पर पिटाई करनी है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों के यार कमेंट्स है, कबूतर उड़ा के दिखाओ। तो अभी मौसम जो है, मैंने 10 दिन वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ कबूतरों में पर पिटाई में, मगर ये अपने टाइम पर सेट हो जाएंगे। तो पर अभी निकालते हैं कबूतरों में पर किस तरह निकल जाते हैं, आपको पूरा इस वीडियो में गाइड करेंगे कि कबूतर किस तरह से पर निकालें। काफ़ी दो ऐसे होते हैं जो कच्चे पर, उनको खून वाले पर, जो ब्लेड वाले पर है वो निकाल देते हैं, उससे कबूतर काफ़ी दर्द होता है। पहले मैंने कबूतरों को दाना दिया है बाजरा, सैंपल तो सादा दाना दे रहा हूँ, सिर्फ बाजरा दिया है। उसके बाद कबूतरों को काफ़ी मैंने प्यासा रखा, क्योंकि अभी 11:30 या 12 का टाइम हो चुका है। उसके बाद मैंने कबूतरों को पानी दिया, पानी में क्या क्या चीज़ मिला के दी है, ये अभी भी छत के ऊपर ही है। प्रोफेन दवा दिखा बेटा, ये ब्रोफेन दवा जब पर पिटाई करो तो आपको इसको पहले दे देनी है। ये तो वैसे फ्लेवर दवा है, फ्लेवर शरबत है जो कबूतर हरी बीट कर रहा है उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी में ऑलरेडी दे रहा हूँ जो इस लोप में कबूतर हैं। बाकी दवाई को अभी नीचे ले जाएंगे। कबूतर जब भी आपको पर पिटाई करनी है कबूतर की, आपको क्या करना है, पहले कबूतरों को खोल के आधा घेरना छोड़ देना है, इधर उधर टहलते रहें। उसके बाद आपको जो भी आप दाना देते हो, मिक्स दाना, कोई भी रोटी बोरे कुछ भी चीज़ें देते हो, तो आपको पहले क्या करना है, कबूतरों को पेट भर दाना देना है। जो बेबी पिजन छोटे बच्चों में, भाई ब्रीड भी लूँगा कबूतरों से और उड़ाऊँगा अभी आपके सामने इंशाल्लाह। अभी ये सर्दी का मौसम जा रहा है, कबूतर काफ़ी एक्सपायर हो रहे हैं क्योंकि अभी वायरस, पता नहीं कौन कौन से वायरस आ गए हैं। तो पहले कबूतरों को पेट भर दाना देना है, कबूतरों को प्यासा रखना है, दाना देने के बाद 1 घंटे के बाद आपको पानी देना है। जो भी कबूतर जो दवाई आप दोगे तो कबूतर जो प्यासे होंगे वो थोड़ा सा पानी पी लेंगे, आस्ता आस्ता करके वो पी के अपना पेट भर लेंगे। तो पहले ही आपको जो ब्रोफेन दवाई है वो आपको देनी है, 1 लीटर में 4 ढक्कन, जो शीशे के ढक्कन होते हैं वो 4 ढक्कन दे दी है। मैं इतनी मिकदार में तो आप जितना दे दो आपकी मर्ज़ी है, मगर ज़्यादा देने से कबूतर नुकसान हो जाता है। भाई कबूतर हेल्दी एक्टिव है, जो भी कबूतर ढीला वगैरह है उसको आपको पर पिटाई नहीं करनी है, उसको जब तक वो सेट हो जाए। मैं पहले कबूतर लेके आता हूँ अंदर से, लोग बंद कर देने हैं, एक एक करके कबूतर निकालते जाएंगे और उनकी पर पिटाई करते जाएंगे, वैसे कबूतर उड़ जाएंगे। तो अभी यहाँ से लेके आता हूँ कबूतरों की बात करता हूँ। मैं ब्लैक बेबियाँ लेके आया हूँ, अभी लोग को कर देंगे बंद, क्योंकि जब भी आप पर पिटाई करनी है कबूतरों को पेट भर दाना देना है। क्योंकि पर पिटाई के बाद कबूतर काफ़ी यार अपने आप को कंफर्ट फील करते हो, दाना वगैरह नहीं खाते, अगर आपको पोट इसका कबूतर में पूरा तरीके से भर देना है। और किस तरह पर पिटाई करनी है, ये कबूतर है मेल है, फीमेल नहीं है। इस तरह से कबूतर पर दिखाना मेरा, इस कबूतरों के जो अंदर है ब्लेड वगैरह ना नज़र आए, बिल्कुल सूखे हुए। ये तो कटे हुए मेरे कबूतर है क्योंकि अभी सर्दियाँ मौसम थी तो बैरी वगैरह ऊपर से ले जाती है। तो आपको क्या करना है, कबूतर को इस तरह पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है और डंडी को, ये डंडी है इसको यहाँ से दबाना है, ठीक है, कि कबूतर को कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह दबा के कबूतर के पर इस तरह खींच के निकाल देनी है। तो मैं वीडियो नहीं शूट करके दिखाऊंगा, नहीं, पहले इसके पर निकाल देता हूँ, बाद में वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कबूतर जो पर मैंने यहाँ इस साइड भी निकाल दिए और इस साइड के भी निकाल दिए। तो काफ़ी सारे तरीके इस तरह से कबूतर के पर इस तरह से पकड़ के भी, दोनों तरफ ये उंगली रख के इस तरह से भी आप कबूतर के पंख निकाल सकते हो, जो ऑलरेडी उड़ाने के लिए इस्तेमाल। इसमें आपको ख्याल रखना है, जो दुम का पर, अभी ये न्यू दुम आई है क्योंकि इसकी दुम पहले मैंने खींच ली थी, न्यू पंख है दुम के। तो अगर कोई दुम का पंख वगैरह आपको पर पिटाई में, कोई दुम का पहले आपको ये बगल वाले पर, ये 10 पर, ये वाले बाहर वाले, ये आपको निकाल देने, ये अभी न्यू आ चुके हैं क्योंकि पहले मैंने ये खींच लिए थे, ये 1 मंथ पहले ये 2 खींच लिए थे, उसके बाद ये कलियाँ 10 ये निकाल के 10 दिन छोड़ के बाद में आपको ये बगौलाल पर निकाल देनी है, ये साइड वाली, ठीक है। तो इस तरह से कबूतरों में, बाकी कबूतर ये आप देख सकते हैं पंख मैंने यहाँ निकाल दिए ऑलरेडी, ये कटे हुए थे, कटे हुए पंख कभी भी नहीं आती है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो जब भी कबूतर ठंड में उड़ते तो ऊपर से लकड़ बगा उसको पकड़ के या बैरी वगैरह ले जाती है, भाई कबूतर काफ़ी ज़्यादा कबूतर ले जाते हैं। तो पहले इस तरह से एक एक करके कबूतर सब के पंख निकालेंगे और इनको बाहर छोड़ते जाएंगे।
तो गाइस फाइनली इन कबूतरों नीले कबूतरों के ऊपर पिटाई हमने कर दी है। आपको नीचे पंख वगैरह नजर आ रहे हैं, इन सब कबूतरों ने ऑलरेडी कर दिया। अब ये लोफ वाले इनकी करेंगे, क्योंकि इसकी तो मैंने जस्ट पहले ही कर दी थी फैंसी कबूतरों की, क्योंकि ये जब आए थे उसके 15 दिन के बाद ही मैंने कर दी थी। इनके पर वगैरह निकल आ चुके हैं, बाकी वाइट हाई फ्लाई कबूतरों अभी पर पिटाई करेंगे। इनकी तो मुकम्मल कर दी है, क्योंकि जब भी आप कबूतर पर निकालना है तो आस्ता आराम से पकड़ना डंडी को, डंडी में पकड़ के कबूतर को निकाल देना। जैसे मैं एक लेके आता हूँ, तो भाई इसी तरह से कबूतर को पकड़ना है। मैं दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से कबूतर को पकड़ना है। पहले आपको देखना है, इसको बंद करो पहले। इनमें कुछ कबूतरों के पंख वगैरह भी आ चुके हैं, क्योंकि कटे हुए पर निकालेंगे तभी नहीं आएंगे, तभी कबूतर हम उड़ाएंगे ना। तो पहले इनके पर इस तरह से पकड़ के डंडी जो है ये अंगूठा ये उंगली यहाँ से फंसा के ये इस तरह दबाना है वो, कि कबूतर को तकलीफ वगैरह ना हो। ये इस तरह से खींच के आराम से निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो कटे हुए पर है वो निकालेंगे तभी उसी जगह आएंगे। तो इसी तरह से निकालने पर बाकी इन कबूतर में पर पिटाई पूरी मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से पर खींचे हुए हैं। तो आपको ये अंगूठा है ना, ये इस पर को दबा के रखना है, एक साइड दबा के दूसरी साइड खींचना है, ठीक है। ये कबूतर डंडी को जो ये हड्डी है उसको नुकसान वगैरह ना हो। बाकी कबूतर वाइब्रेट आप देख सकते हैं आपके सामने है, वाइब्रेट किस तरह दिखा रहा है कबूतर। क्योंकि इस साइड के पर वगैरह हमें नहीं निकाले, इस साइड के में निकाले, जो भी निकाले चार पाँच इस साइड के निकाले, ये आपको देख सकते हैं। क्योंकि इनको उड़ाएंगे तभी आपको रिजल्ट का पता चलेगा। तो पहले इन कबूतर पर पिटाई मुकम्मल करते हैं, आप उसके बाद ही आप उसमें फाइनली कबूतर की आप देख से हाथ हुए क्या हाल कंडीशन हो गए कि फाइनली कबूतर जो भी कबूतर पर पिटाई हो हमने कम्प्लीट ही कर दी है। ये आपको पर वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो भी कबूतर कटे हुए पड़ते हैं, क्योंकि अभी पर निकलने हैं कबूतर को उड़ाने हैं, क्योंकि बाजी वगैरह मैं नहीं रखता हूँ। क्योंकि जब भी आपको कबूतर के पंख वगैरह निकाले पहले उनको पेड़ पर दाना देना है, दाना देके आपको क्या करना है एक कबूतरों को ये सामने ब्रोफेन दवाई दे देनी है, ठीक है, कबूतर जिससे कबूतर कमज़ोर ढीला वगैरह नहीं हो। क्योंकि पहले पंखा को निकालो कबूतरों को तो कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, सुस्त होकर बैठ जाएगा। जैसे उनको पेट भर जाना होगा तो सुस्त होगा तो ही कोई टेंशन नहीं, दूसरे दिन वो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर पार्ट दूसरा भी लेके आएंगे। फिलहाल तो कबूतर जब भी आप ऊपर निकालें पहले 10 पर बाहर वाला निकाल देनी है, उसके बाद 10 या 15 दिन के बीच में आपको 10 पर अंदर वाले निकाल, जब उतने कबूतर पर बाहर वाला आ जाए उसके बाद बगल वाले पर निकाल देनी है। सेम वही प्रोसेस बगल वाले पर निकलने का, इंशाल्लाह पार दूसरे में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद बगल वाले पर, उसके बाद 10-12 दिन के बाद दुम के वो निकाल देनी है। उसके बाद जो पर के ऊपर जो हल्की हल्की जो गंदे गंदे पर होते हैं वो भी निकाल के आप उससे परवाज बढ़ जाएगी कबूतरों की, जो उससे हवा जो कबूतर न्यू पंख आ जाएंगे उसके हवा जो कबूतर की वो क्रास नहीं होगी, इससे कबूतरों की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, परवाज उनकी बढ़ जाएगी। बाकी इन दो लोफ्टों में वैसे निकाल दिए फैंसी कबूतरों को, तो 15 से 20 दिन हो गए पहले निकाल, अभी इनको पर बिल्कुल आ चुके हैं, छोटे इतनी बाकी कम है इंशाल्लाह वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो जल्दी पर लेके आते हैं, कुछ कबूतर 40 से 50 दिन में लगा देते हैं कबूतर पर मुकम्मल होने में। मैं मैक्सिमम जो टाइम है 40 दिन, मेरे कबूतर कुछ ऐसे हैं 33 या 34 दिन में उन कबूतर में मुकम्मल हो जाते हैं। कुछ कबूतर 40 दिन में लगा देते हैं, कुछ कबूतर 50 दिन में लगा देते हैं न्यू पर आने में। नई किसी नई टॉपिक के साथ गुड बाय।